अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेक डिज़ाइन। विंटर आ रही है, सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जो न्यू हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। शर्ट को आपने पहले से कटिंग कर लेना है, मतलब आर्म होल की कटिंग, क्रॉस बैक, हर चीज़ फिटिंग वगैरह की कटिंग आपने करने के बाद फ्रंट वाले जो हिस्से को अलग करके, फ्रंट हिस्से को आपने अलग करना है। ये मैंने आपको ये वाली जो नेक डिज़ाइन है ये लेस पर भी बताई, लेकिन इसमें और मज़ीद बहुत सारे डिज़ाइन बन सकते हैं जो कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको बैन पट्टी भी कह सकते हैं, इसको टाई गला भी कहते हैं। यहाँ से जो साइज़ ले रही हूँ, 7 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ, 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है जो नॉर्मल गले की होती है। लंबाई अगर देखी जाए तो लंबाई 6.5 इंच पर हमें एक अंदाजे के लिए सिर्फ मैं निशान लगा रही हूँ कि 6.5 इंच हमें लंबा गला चाहिए जो कि एक नॉर्मल साइज़ होता है। जबकि जो मैंने पट्टी लगानी है, टाई वाली पट्टी लगानी है, उसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेकर जाऊँ तो 12 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ कि इतनी लंबी मैंने पट्टी लगानी है। यहाँ से आधा इंच का निशान लगा रही हूँ कट लगाने के लिए, ताकि मेरा ये जो कट है ये बहुत खुला ना हो। उसके बाद यहाँ से इस कट तक मैं सीधा एक निशान लगा रही हूँ, जैसे आप वी गला काटते हैं बिल्कुल वैसे। ये वी के जैसा मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से आधा इंच का मैंने कट लगाना है, बहुत बड़ा नहीं करना, क्योंकि 1 इंच की जो हमारी पट्टी है, ताकि वो हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये कटिंग हो गया। अब इसके बाद जो हमने इसकी पट्टी कट करनी है, वो करनी है आपने बुकरम पर, क्योंकि पट्टी पर हम थोड़ा सा देंगे डिज़ाइन। बुकरम की ये मैंने एक पट्टी ली है सीधी, लेकिन इसको आपने सीधा करने के लिए 1-1 इंच पर कटिंग करनी है, क्योंकि हमें पट्टी चाहिए 1 इंच की। ये देखिए जी, 1-1 इंच की मैंने इतनी लंबी पट्टी ले ली है, ये साइज़ करके आपने लेनी है। मैंने ये गला बना रही हूँ 12 इंच पर, वैसे ये इतना ही अच्छा लगता है। अब 12 और 12 प्लस हो जाएंगे तो 24 इंच ये हो जाएगा, जबकि हमने बैक से जो 7 इंच है उसको भी ऐड करना है, तो ये 31 इंच बन जाएगा। तो ये मेरे पास 31 इंच से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है जो कि यहाँ नीचे से एडजस्ट हो जाए। अगर आप बराबर बराबर रखेंगे तो आपकी ये पट्टी यहाँ से कम हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आप इस पट्टी में कोई भी किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं, अभी जो मैं बता रही हूँ वो आपने ये करना है कि नीचे से जो आपकी पट्टी, अगर तो आपने 12 इंच ही पट्टी अपनी बनानी है ये वाली, अगर तो आपने ये 12 इंच का ही साइज़ रखना है, जितना भी आप रख रहे हैं। आप 14 रख रहे हैं तो उसका दरमियान कर लेना, आपने 15 रखा है तो उसका दरमियान कर लेना। बहुत लंबी भी ये पट्टी अच्छी नहीं लगती है। अभी मैंने रखा था 12 इंच, तो मैं यहाँ से इसका दरमियान करूँगी अगर तो 6 आता है, लेकिन मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि नीचे से आधा इंच ये सिलाई के अंदर चली जाएगी। इसी तरह आपने दरमियान करने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा पर निशान रखना है, जैसे कि ये मैंने अब यहाँ पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे मैं जो कट बनाने लगी हूँ, यहाँ पर मैंने ये छोटा सा कट लगाया है। अब चलते हैं मशीन पर और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे आपने जोड़ना है, सीढ़ी लेस को इंक्लूड करके। बैक में शोल्डर के साथ अटैच कर लूँगी, कॉमन सी चीज़ है, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया हुआ है, आपने बैक जोड़ लेनी है और इसको आपने एक अलग कपड़े पर इस्त्री के साथ अच्छे से पेस्ट कर लेना है, सेम ही कपड़े पर। शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपने, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने इस तरह डबल कपड़े पर बुकरम को पेस्ट करना है, मैंने उसको उस तरह भी पेस्ट करके इस तरह से इस्त्री की है, क्योंकि हमें एक सिलाई इसकी यहाँ पर लगानी है ताकि हमारा कट प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये सिलाई लगाते हैं। आपको कोई भी अगर डिज़ाइनिंग वाली पट्टी बनानी है तो आपको दूसरी साइड पर सिलाई हर सूरत लगानी पड़ेगी, तभी आपका डिज़ाइन प्रोमिनेंट होगा।
ये सिलाई लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे ट्रिम करें ताकि आपका ये कॉर्नर नीट हो जाए। इसको सीधा करके आप अच्छी तरह से प्रेस कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। सीढ़ी लेस आपने लेनी है, चाहे तो सेम कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने इसको बिल्कुल बुकरम के साथ रख के लगाना है जहाँ आपका बुकरम है। कपड़ा फालतू इसीलिए है कि फिनिशिंग के लिए बाद में हमें इनकी इसकी तरपाई वगैरह करनी है। तो यहाँ से आपको यूँ अंदाज़ा हो जाएगा आपने बिल्कुल ऐसे साथ साथ बुकरम के रख के सिलाई लगानी है। ये लेस हमारी लग चुकी है, अब आपने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये काम करना है कि इसको ऐसे बराबर करें इन कट्स को। ये जो आपने यहाँ पे कोई भी कट लगाया है किसी भी किस्म का, अगर तो सिंगल कट है तो उसको आपने सबसे पहले बराबर करना है। बराबर करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करें, क्योंकि इसको आपने ऊपर से लगाना शुरू करना है, यानी बैक नेक से लगाना शुरू करना है, ताकि आपके जो कट्स हैं वो बराबर आएँ। इसका भी मिट कर लें। अब आप इसको यहाँ से लगाना शुरू करें ऊपर वाली साइड से। सीधी साइड पे आप रखेंगी, चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दें ताकि आपकी तरपाई करने में आसानी हो जाए आपको, क्योंकि अंदर से भी हमें नीट करना ज़रूरी है हर चीज़ को। इसी तरह अब आपने यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। करना यूं ही है ताकि आपके जो कट्स हैं, फिर बता रही हूँ, वो बराबर आएँ। वैसे भी अगर आपने सादी पट्टी भी रखनी होती है तो आप ऐसे ही करके लगाया करें, ये मेथड बेस्ट रहता है, क्योंकि आपकी अक्सर पट्टी छोटी बड़ी हो जाती है, उस झंझट से आप लोग बच जाएंगे। आपको सारी खोलनी नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी पट्टी छोटी है बड़ी है। या स्टार्ट में मैयर करके काटें तो फिर तो बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। और ये यहाँ से जो मैं मोड़ रही हूँ, यहाँ पे आपने जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ पर सुई रखनी है, और इसको आपने ऐसे घुमाना है और इस कपड़े के बराबर करके आपने फिर इसको सिलाई लगानी है। इस पर करनी है आपने अच्छी तरह से प्रेसिंग, और सारे रफ जो धागे हैं उनको कट करें, और फिर मैं करती हूँ इस पर तरपाई। ये देखें जी, नेक लाइन हो चुका है रेडी, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो आप भी यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत कुछ इस पट्टी पर बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत करके बना सकते हैं, और ये नीचे कम गैप देंगे तो आपकी पट्टी खूबसूरत तैयार होगी। आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, या अगर आप बटन्स भी लगाना चाहें तो यहाँ सेम कलर के बटन भी लग सकते हैं। बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इन जगहों पर हो जाएगी तरपाई। मैंने अभी नहीं की, लेकिन आप लोगों ने तरपाइयाँ लाजमी करनी है अंदर, ताकि नीटनेस रहे हर चीज़ की। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।